A wonderful good morning, everyone. I am your maths teacher from Premchand Memorial Public School, and welcome to the fifth class students. Today is maths class. So, students, today we will learn about Roman numerals. Okay, the Roman system of numeration is one of the oldest system of numeration. Students. रोमन सिस्टम क्या है? रोमन सिस्टम एक बहुत ही पुराना सिस्टम है न्यूमेरेशन का. ओके, द रोमन सिस्टम यूजेस 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी नंबर. एंड स्टूडेंट, जो रोमन सिस्टम है वो 7 बेसिक सिंबल्स को यूज करते हैं लिखने के लिए, कोई भी नंबर को लिखने के लिए. ओके, द फॉलोइंग टेबल शोज द 7 सिंबल्स ऑफ रोमन सिस्टम of numeration and their corresponding value in Hindu Arabic system. And students, यहाँ पर देखो एक क्या दिखाया गया है, एक टेबल दिखाई गई है. ओके, इन दिस टेबल रोमन numerals एंड हिंदू अरेबिक numerals आर गिवन. ओके, इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो मेन बेसिक सिंबल्स हैं रोमन न्यूमेरल्स के वो कौन कौन से हैं. दीज आर आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम. विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स वी कैन राइट एनी नंबर. ओके, इन सिंबल्स की हेल्प से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं. ओके, सो जस्ट सी, 1 इज रिटन एज आई, 5 इज रिटन एज वी, 10 is written as X, 50 is written as L, 100 is written as C, 500 is written as D, and 1000 is written as M. Okay, students, the Roman system does not have 0, that is why it has no place value. Students, Roman system mein 0 ke liye कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए इसकी कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती है. राइट, इन आवर डेली लाइफ वी यूज रोमन न्यूमेरल्स टू रिप्रेजेंट क्लास, पोजीशन, पार्ट एटसेट्रा. स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में रोमन न्यूमेरल्स का यूज करते हैं. हाउ, कैसे? स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए, पार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वी यूज रोमन न्यूमेरल्स. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड सम ऑफ दीज रूल्स इन आर अर्लियर क्लासेस. और स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए हैं. राइट, हमने इन रूल्स को अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा है. ओके स्टूडेंट्स, सो रूल 1 इज A symbol can be represented maximum 3 times. Roman numerals में students कोई भी symbol maximum 3 times ही repeat किया जा सकता है. Okay, उससे ज्यादा हम उसे repeat नहीं कर सकते. We cannot write like this. Okay, so this is wrong. Okay, but we can repeat 3 times. 1, 2 and 3. So this is correct. Okay students, and only I, X, C and M can be repeated. And students, Roman numerals mein only I, X, C and M can be repeated. Sirf yehi char symbols hain jo repeat kiye ja sakte hain. Okay, we cannot repeat any other symbol. Okay, for example, you can see we have repeated I here, right? So if we are writing 3 times I, that means 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. So wo kya bana? 3. Okay, same like that. X also, 10 plus 10 plus 10 is equal to 30. Aur agar hum C ko plus karte hain, C ko 3 times likhte hain, means 100 plus 100 plus 100 is equal to 300. Okay, same like that, M, M,
m is equal to 1000 plus 1000 plus 1000 is equal to 3000. Okay, now see rule number 2. If one or more symbols are placed after the symbol of greater value, the values are added. Means students, अगर एक या एक से ज्यादा सिंबल प्लेस किया जाता है ग्रेटर सिंबल वैल्यू के बाद, तो क्या होता है स्टूडेंट, वो जो वैल्यू है वो ऐड की जाती है. ओके, जस्ट सी एग्जांपल, वी. वी क्या है स्टूडेंट्स, ये एक सिंबल है राइट, और उसके बाद लिखा है आई. ओके, सो स्टूडेंट जो हमारी बड़ी वैल्यू है वो क्या है, वी मीन्स 5. ओके, और आई की वैल्यू क्या होती है, 1. तो जब स्टूडेंट बड़ी वैल्यू के बाद कोई छोटी वैल्यू लिखी होती है तो हम इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे. ओके, लाइक 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. इट मींस जब हम वी और आई लिखते हैं तो वो क्या बनता है, वो 6 बनेगा. ओके स्टूडेंट, सेम हियर, एल प्लस एक्स. ओके, एल हमारी बड़ी वैल्यू है और एक्स छोटी वैल्यू है. एक्स मीन्स 10 होता है एंड एल मीन्स 50 होता है. सो 50 प्लस 10 60. ओके, एंड सी हियर सी. अब सी यहां पर क्या है, ये भी बड़ी वैल्यू है एक्स से राइट. तो ये जो एक्स की वैल्यू है 2 टाइम्स, हम इसको यहां पर ऐड कर देंगे. सो 100 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 120. ओके, सेम लाइक दैट हियर एम सी. सो स्टूडेंट्स, एम की वैल्यू क्या होती है, टेल मी वेरी फास्ट. वेरी गुड, 1000. ओके, एंड सी की वैल्यू क्या होती है, 100. सो स्टूडेंट्स, जब एम के आगे सी की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1100. ओके, सी द रूल नंबर 3. इफ अ सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, द सिंबल ऑफ लेसर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड. स्टूडेंट्स, अगर किसी सिंबल से पहले छोटी वैल्यू वाला सिंबल लिखा है तो हम क्या करेंगे, हम उनको माइनस करेंगे. ओके, सी द एग्जांपल, आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एंड एक्स की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है राइट. सो एक्स से पहले क्या है, 1 है, मतलब छोटी वैल्यू है राइट. सो हम 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट 9. ओके, सेम लाइक दैट हियर आल्सो, एक्स एंड सी. सो सी क्या है, बड़ी वैल्यू है और एक्स छोटी वैल्यू है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे. 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90. ओके, सेम लाइक दैट हियर एक्स एंड एल. सो वी विल डू 50 माइनस 10. ओके, वी विल गेट 40. सो स्टूडेंट, ये जो हमने यहां पर सिंबल्स लिखे हैं दोनों एक साथ, इसका मतलब है 40. ओके, सेम लाइक दैट हियर आल्सो, सी एम मीन्स 900. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी रूल नंबर 4. अनदर रूल इज दैट आई कैन बी टेकन फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली. एक्स कैन बी टेकन फ्रॉम एल एंड सी. सी कैन बी टेकन फ्रॉम डी एंड एम. मीन्स स्टूडेंट्स, जो हमारा सिंबल आई है वो किस में से माइनस हो सकता है, वी एंड एक्स में से सिर्फ. ओके, एंड सिंबल एक्स वो किस में से माइनस होगा, एल एंड सी में से ओनली. ओके, एंड सी कैन बी टेकन, सी किस में से माइनस हो सकता है, ओनली डी एंड एम में से. ओके स्टूडेंट्स, सो ये रूल्स हमें याद करने की जरूरत है. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी द एग्जांपल, हियर इज रिटर्न एक्स एल आई एक्स. ओके, मींस 50 माइनस 10. ओके, एंड 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49.
मीन्स स्टूडेंट्स यहां पर हमें क्या दिया है, 50 दिया है, राइट। एल की वैल्यू क्या होती है, 50। और अगर छोटी वैल्यू जब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे दी है तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पर 10 माइनस कर दिया, राइट। सेम लाइक दैट हियर, सो हमने इसे भी माइनस कर दिया, तो ये क्या बना, 49। एक्सएल की मीनिंग होती है 40 एंड आई एंड एक्स की मीनिंग होगी 9। एंड व्हेन वी विल ऐड देम सो वी विल गेट 49। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग। वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। स्टूडेंट जो वी एल और डी सिंबल है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते, ओके। एंड आई इज नेवर रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ एल सी एंड डी। और स्टूडेंट जो आई सिंबल है वो कभी भी एल सी एंड डी के लेफ्ट साइड नहीं लिखे जाते, ओके। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी रोमन न्यूमेरल्स विद कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, ओके। अब यहां पर टेबल हमको दी है, इसमें स्टूडेंट मतलब 5-5 के गैप से हमें बताया हुआ है, राइट। 1 को हम क्या लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं, इस तरीके से यहां पर बताया हुआ है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स सी एक्सरसाइज नंबर 1.5, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, राइट द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमेरल्स। हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो नंबर्स हमें दिए हैं हमें इसे रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, ओके। सो यू जस्ट लिसन एंड सी केयरफुली हाउ यू हैव टू डू, ओके। सो फर्स्ट इज 163, राइट। 163, व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दीज इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म्स में लिखेंगे, ओके। लाइक 100 प्लस 60 प्लस 3, राइट। देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब 3 को हम कैसे लिखते हैं रोमन में, लाइक दिस 1 2 3, राइट, ऐसे हम लिखते हैं, ओके। एंड 60 को कैसे लिखते हैं, वी राइट लाइक एल एंड एक्स, ओके। एंड 100 को कैसे लिखते हैं, 100 को हम लिखते हैं सी, ओके। सो वी विल ऐड दीज, अब हम इनको ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये सी एल एक्स 1 2 3, ओके। सो दिस इज द आंसर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो हमें रोमन न्यूमेरल्स दिए हैं इनको हमें हिंदू अरेबिक्स में लिखना है, राइट। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या दिया है हमें, फर्स्ट सी एंड एक्स, ओके। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको पहले थोड़ा खोल कर लिखेंगे, सी एंड एक्स, ओके। अब सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है 100, ओके। एंड एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है 10, ओके। अब हम इनको ऐड कर देंगे, ओके। अगर स्टूडेंट बड़ी वैल्यू के बाद छोटी वैल्यू होती है तो हम उनको ऐड करते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा 110, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यू हैव टू डू, कंपेयर द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स एंड यूज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल साइन। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको कंपेयर करना है, ठीक है, कि कौन सा बड़ा है। जो भी बड़ा है तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, छोटा है तो लेस देन का, और अगर इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाएंगे, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमेरल्स। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको पढ़ना है एंड रोमन न्यूमेरल्स
numerals में ही आंसर यहाँ पर लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट इज मैच द रोमन numerals टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक numerals. अब हमें क्या करना है यहाँ पर, इन्हें मैच करना है. कि इसका मतलब हमारी हिंदू अरेबिक numerals में क्या होता है. ओके, सो वी हैव टू मैच दीज. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज क्लास. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू मी फ्री. सो थैंक यू सो मच.